जा रहा है इटावा तरफ कुछ काम से, तो किसी काम से जा रहा भैया, तो फिलहाल अभी ये ढाबा दिखाई दे। सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू व्लॉग में। तो भैया अभी बज रहे सुबह के 10:30 और ये वाला व्लॉग मैं चालू कर रहा हूँ करीबन सुबह के 10:30 बजे। अभी धूप देख रहे थे कितने तगड़ी निकली हुई है, फिलहाल सूरज एकदम सर के ऊपर आने वाला क्योंकि थोड़ी देर में बजने वाला 12:30। और भैया अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाला था इसमें पानी का देखो लग ही नहीं रहा कि पानी डाला है, पूरा तरीके से सूख गया। नहीं बहुत यार बहुत तगड़ी वाली गर्मी है। तो चलिए फिलहाल तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा व्लॉग। ये देखो ये गाड़ी खड़ी है और ये मेरे अंदर है, मेरे घर में आया एक छोटा सा लड़का। अब इधर आओ इधर आओ। ये लड़का ये बहुत शैतानी करता भाई, जब से आया यार शैतानी कर रहा घर पे यार भाई। इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, आप लोग बाहर दिखाते भाई साहब, भाई तप रहा यार तप रहा, देख रहे हो कितना एकदम चमचमा रहा पूरा आंगन भाई। गाड़ी गाड़ी घर के बाहर खड़ी, यहाँ से लेके वहाँ पर चारों तरफ गाड़ी भाई, इतनी तगड़ी डाली धूप। और इसको देखो ये शैतानी करने में लगा हुआ है अपना। अब साले तुम्हारे खोपड़िया में बाल या। तो भाई कंटिन्यू बने रहना, अबे आ चल अंदर। इसको देखो है ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये है ये यार। मैं भी छोटे में बहुत खेला करता था, ये वाला जो चीज़ें गाड़ी नहीं है तो यार मैं भी छोटे में पहले खेला करता था, लेकिन अपने समय में ना इस प्रकार की गाड़ियाँ नहीं बिकती थी, कम ही बिकती थी। अब भैया ये गाड़ियाँ इसमें ना ये चीज़ होती है, इसको ऐसे पीछे करो, ये चीज़ एक चीज़ दिखाते हैं, इसको ऐसे पीछे करते तो ये भागती आगे एकदम थी भाई अपने समय में। ये रब तो ये छोटे छोटे, अब बोलो जूस मांगो जूस मांगो, क्या खाना है क्या पीना बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? दर्श। दर्श तो भैया ये अपना नाम बता रहा दर्श। तो चल कट भाई, ये खाने में बनी है अपनी पनीर मटर पनीर की सब्जी। तो भैया अभी मैंने थोड़ी देर पहले खा लिया है, तो भैया मैंने कहा चलो दिखा देते हैं आपको। तो भाई आज ये बनी थी अपने घर में मटर पनीर की सब्जी। भाई ये अपने प्यारी सी तुलसी माता, तो उसमें भैया अभी पानी मैंने डाल दिया था, तो भाई अभी सूख गया है, दोपहर में डाला था सूख गया क्योंकि बहुत जल्दी सूखता, वो भी सूख गया सब सूख गया भाई। तो भैया आप लोग को पता ही है कितनी तगड़ी वाली धूप पड़ रही है, इतनी तगड़ी वाली धूप पड़ रही है यार कि कहीं हिम्मत ही नहीं होती यार जब निकलने की धूप में। निकलना पड़ता तो कोई ऐसा ज़रूरी काम पड़ जाता तो ही निकलना पड़ता, ना तो काम से भी मन नहीं कर रहा कहीं जाने का यार, इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली धूप पड़ रही। बताओ आप लोग बताओ इस साल की कैसी गर्मी पड़ी भाई, इस साल की गर्मी ने तो हिला के रख दिया आदमी से, मतलब एकदम हिला के रख दिया। अभी मैं कुछ समय पहले गया था ना बिहार, तब भाई हालत ख़राब हो गई थी खाली शाम के वक्त, भाई इतना पसीना निकले पूरे शरीर से, इतना ज़्यादा पसीना निकले कि ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने टोटी खोल दी भाई, पूरी टी शर्ट गीला हो गया पसीना से। सुबह तक पूरे रात एक तो जनरल से सफ़र किया और उसके बाद सुबह होते होते पूरा गीले हो गया भाई, ऐसा लग रहा था भाई कि भाई इतना ज़्यादा, पूरी रात हमने पानी पिया पूरे रात। भैया ये देखो हमारे गेट के बाहर लगा हुआ भैया कांग्रेस का झंडा, तो फिलहाल अभी चुनाव वनाव तो ख़त्म हो गया और अपने पीएम प्रधानमंत्री जी जीत गए, तो चलो अच्छी बात है तीसरी बार मोदी सरकार। आप लोगों ने किसको वोट दिया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो फिलहाल आज दूसरा दिन और भैया अभी आए घर के बाहर, अभी कहीं जा रहा भैया, ये देखो सामने खड़ी गाड़ी, तो फिलहाल अभी जा रहा है मतलब अभी जा रहा है इटावा तरफ कुछ काम से, तो किसी काम से जा रहा भैया, तो फिलहाल अभी ये ढाबा दिखाई दे गया था मेरे को, हमने कहा चलो कुछ चाय नाश्ता कर ले, तो भैया अभी पनीर वनीर पकौड़ा बन रहा है, चाय नाश्ता बन रहा है, तो फिलहाल अभी जा रहा है काम से वहाँ पे। तो चलो इस ब्लॉग को आज कंटिन्यू रखते क्योंकि भाई ये कल नहीं कंटिन्यू रख पाए थे, तो हमने कहा चलो फिलहाल निकलते हैं खा पी ले। आज हमारे साथ ये देखो ये लड़का भी जा रहा है, इस लड़के को भी साथ में ले जा रहा है, क्यों कहाँ जा रहा है देख ध्यान से रहा है। फिलहाल अभी देखो सामने बन रहा खाना है ना, नाश्ता करते फिलहाल यहाँ से, फिर निकलते हैं यहाँ से, और जूस भरा पड़ा मुंह में। ये हमारा नाश्ता है देखो, चाय
कुल्हड़ वाली चाय भैया, हमारा पनीर पकौड़ा गोल गोल पकौड़े भैया। तो चलो फिलहाल अभी खाते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में भाई, तो पिए भाई। बड़ी गाड़ी गाड़ी है भैया, मिट्टी वाले कुल्हड़ पीने का मज़ा ही एक अलग है भाई, फुल डिफरेंट डिफरेंट मज़ा है। तो भाई अभी फ़िलहाल अभी आते हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप ने भैया CNG बना भरा ले, फिलहाल अभी यहाँ से निकल रहा है सीधे। तो भाई फ़िलहाल अभी निकल लिए भैया, अभी यहाँ पे आए थे थोड़ा इटावा काम से निकल लिए। अब उसको नहीं छुओ, उसको छुओगे तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तो फिलहाल अभी देखो भैया रास्ते में भैया यहाँ से सीधे निकलना है अपने कानपुर के लिए वापस, ठीक है। अभी रास्ते में खाना ना खाते फिर निकलते भैया आज का प्रोग्राम भैया। तो फिलहाल काम से निकल गए थे तो भैया कहीं जाना तो हुआ नहीं, चलो फिलहाल इटावा से सीधे पहुँचने कानपुर। 160 कितना पड़ता है, 170 हाँ मतलब 160 पड़ता ना भैया, 160 किलोमीटर दूर आते भाई। हाँ गाड़ी से जा रहे हैं, वैसे तो ट्रेन से जाते रहते हैं, आज हमने कहा चलो गाड़ी से निकलते। ये बगल में पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बगल में देखो क्या मस्त बना भाई होटल ये है, मस्त सही है यार साला, पैसा वैसा हो एक बना लो मस्त होटल कहीं किनारे, एक नंबर भैया पैसा कमाओ। अब क्या 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 इस तरफ। तो भाई अभी ये जैसे कि सूर्य होटल देख रहा, तो भैया उस तरफ से आए थे, फिलहाल इधर आ गए ये सूर्य होटल के पास, अभी रुके हुए थे मतलब सूर्य ढाबे के पास रुके हुए थे खाना ना खाने के लिए। फिलहाल अभी खाना ना खा लिया हमने, तो ये ले लिए चिप्स और इसने तो खाना खाया प्लस और साथ में ये ले ली चॉकलेट। अरे लड़का भाई बहुत शैतानी करता भाई, क्या है ये डेयरी मिल्क है, अबे जा। तो चलो फिलहाल अभी अब खाना ना खा लिया, अब सीधे निकल रहे हैं यहाँ से कानपुर के लिए भैया। आज का व्लॉग हमारा तो ये ट्रैवल व्लॉग हो गया, क्योंकि वहाँ तक गया तो फिर उसके बाद उधर का इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि भाई उधर में मेरे को ना वो मोबाइल जहाँ पे गए थे वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, तो इसलिए वहाँ का सीन नहीं दिखा पाए। तो फिलहाल अभी ये वाला जो रोड है यहाँ से सीधे यहाँ से निकलता सीधे कानपुर के लिए भाई, कुछ लगा हुआ है। और ये एक चीज़ बढ़िया है, भारत पेट्रोल पंप वालों ने बगल में ये चीज़ बढ़िया है भाई, जहाँ पेट्रोल पंप वालों का ये फ़ायदा होता है भाई, बगल में खोल लो होटल मस्त चलता है एकदम बढ़िया। अभी एक सिस्टर दीदी भी आई थी मेरे साथ, तो उन लोगों को भी तो किसी रिश्तेदार के आ गया तो फिलहाल अभी जा रहा सीधे यहाँ से घर। तो चलो फिलहाल निकलते, ये खड़ी अपनी गाड़ी, अबे ये मेरा है, ये मेरा है, इसको हम खाएंगे समझे। चलो दोस्तों फाइनली अभी आ गए घर में और करीबन बज रहा है शाम के 5। तो भैया देखो सूर्य भी अस्त हो रहा अपना, सूर्य अस्त हो रहा होगा, बज गया शाम के 5। तो करीबन सुबह का टाइम निकले तो वापसी करते करते करीबन बज गए शाम के 5। तो चलिए इसी के साथ ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो क्या करना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो अच्छी लगे तो ये लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।